श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर ओमचो और हमारे चैनल डॉक्टर ओमचो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आप जो हमें प्यार, स्नेह, दुलार और सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी धन्यवाद का बहुत बहुत पात्र हैं। ईश्वर आपका हमेशा भला करे, आप हमेशा खुश रहे, आनंद रहे, मस्ती में रहे और आपके सभी का। यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें। निशुल ज्योतिष के लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहां से आप ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियो, नई नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप हमेशा प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के पुरुषों का प्रेम स्वभाव। प्रेम स्वभाव एक बहुत बड़े तौर पर, क्योंकि प्रेम कहीं भी, माता पुत्र के बीच, बेटे और पिता के बीच, कहीं भी हो, या प्रेमी या प्रेमिका के बीच, पति पत्नी के बीच, जहाँ भी प्रेम हो, प्रेम की कल्पनाएं बहुत दूर तक है और प्रेम असीमित है। वहाँ पर पूरा ओवरऑल जो एनालिसिस हम कर रहे हैं प्रेम का, वृश्चिक राशि के जातकों का, उस पर आप विशिष्ट रूप से ध्यान दें और जानें इस बात को कि वृश्चिक राशि के जातक, यदि आपके स्वभाव, आप यदि खुद स्वयं वृश्चिक राशि के जातक हो तो आप खुद के बारे में जानें, और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं जो वृश्चिक राशि के जातक हैं तो उनके बारे में भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। पांच बातें बतलाऊंगा जो बिल्कुल ही सटीक और सरल होगी। तो सबसे पहली बात है वृश्चिक राशि के जातकों की, जिनके प्रेम स्वभाव की, पहला है कि यह लोग कम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। कम, इनके जो विशिष्ट लोग होते हैं जिनसे प्रेम संबंध होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि निश्चल होते हैं, निष्भाव, मतलब कोई इनका स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ भाव होता है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये निस्वार्थ भाव का प्यार होता है और इनके बहुत कम जिन लोगों से प्यार, संबंध अलग विषय, लेकिन जो प्रेम होता है, जिनसे विशिष्ट लगा होता है, स्पेशल जो लोग होते हैं वो। दूसरी बात है, अंत तक सपोर्ट करने वाले लोग वृश्चिक राशि होते हैं। एक धनु राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, ये जो तीन राशियाँ हैं खासकर, ये आपका बहुत अंत तक सपोर्ट करते हैं। तीसरी बात जो वृश्चिक राशि के जातकों के साथ है कि यह कभी भी प्रेम में अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं धोखा ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी गलत फहमियों में फंसकर कई बार धोखे जैसी संभावनाएं बन जाती है और हो भी जाता है, जिसे इन्हें बहुत बड़ी कीमत भी चुकाना पड़ती है। आमतौर पर ये देखा गया, तो ऐसी सिचुएशन यदि जब भी आए तो सामने जिससे भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप खुद क्लियर करें। आपकी जो तकलीफ मैं बता रहा हूँ वो धोखे होने की वजह है, आप दूसरों पर विश्वास कर या दूसरों पर बिचौलिया उन्हें बनाकर और फिर अपना संवाद स्थापित करवाते, ये नहीं करें। आप डायरेक्ट जाएँ, अपने जो भी पक्ष हैं उसे शांति से रखें और बिल्कुल बात को क्लियर करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चौथी बात यह है कि आप सपोर्ट करते हैं लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के साथ साथ मानवीय व्यवहार, जो आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, लोकप्रिय है, लोगों को मिलना जुलना आपसे बहुत पसंद है और लोगों की आप डिमांड है, यूँ भी कह सकता हूँ, इतना प्यार इसने आपकी ओर से है, आपका व्यवहार इस तरीके का है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को मैं अंत में उपाय में एक ही बात कहूँगा, आप मंदिर जाए, भगवान के दर्शन करें, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो, और बिल्कुल पॉजिटिव रहें आप। संबंध अगर कहीं ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें आप ऑटोमेटिकली खुद मेंटेन करें, ना कि तीसरे व्यक्ति से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।